गाइस, ये हमारे पास एक पार्सल है जो मेरे भाई, छोटे भाई ने, आदित्य ने मंगाया था फ्लिपकार्ट से, एंड ये है 1 रुपए का। यू कैन सी COD 1 रुपीज़। अब आप सोचेंगे कि 1 रुपए में आजकल भाई 1 रुपए में 2 टॉफी नहीं मिल रही है, 1 रुपए की 1 टॉफी मिल रही है, और इस ज़माने में ये कैसे मिल गया 1 रुपए का। सो ये इसके पीछे कहानी है कि सुपर कॉइन्स मिलते हैं फ्लिपकार्ट में जब भी आप परचेस करते हैं। तो मेरे छोटे भाई के उसमें 400 सुपर कॉइन्स हो गए थे, तो उसमें से एक ऑफर आता है कि आप 1 रुपी देंगे और बाकी आपके सुपर कॉइन्स डिडक्ट हो जाएंगे। सो उस बेसिस पे ये आया है। इसका वैसे इसका प्राइस है 400, इसका प्राइस था। और मुझे अच्छा लगता है एप्लीकेशन मंगाने के लिए ऑनलाइन, इसमें कॉइन्स भी मिल जाते हैं, उस कॉइन्स के बाद आपको 1 रुपी सेल वाला जो ऑप्शन है उसमें आप जा करके अपने हिसाब से मंगा सकते हैं। सो हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। बाय द वे, ये इसमें पहले ना सामान मंगाए हुए हैं इस ये फ्लिपकार्ट से ना, तो क्या होता है कि उसके बदले कॉइन्स मिलते हैं इनको रिटर्न में, तो वो कॉइन्स इसके पास काफ़ी जमा हो गए थे। नहीं नहीं, तो इसके कॉइन वो जितने थे वो उतने ख़त्म हो गए जितने इसमें लगने थे। जैसे 400 लग गए कॉइन, तो 400 कॉइन इसके ख़त्म हो गए अब।